चलो भाई, लेट हो गए लेट हो गए। ज़्यादा नहीं लेट होना, फटाफट से ड्रेस पहनते हैं और निकलते हैं गाइज। वैसे एक सेकंड, तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं कौन सी ड्रेस पहनने वाला हूँ और मैं कहाँ निकलने वाला हूँ। तुम लोगों तो मैंने बताया ही नहीं, रुक जाओ गाइज, बताने दो भाई मुझे। तो सीन ये हुआ है कि भाई लॉस सैंटोस के अंदर जो वो मिलिट्री बेस नहीं है, उसके लिए ढूंढा जा रहा था एक सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग, सिक्योरिटी गार्ड वैसा वाला सिक्योरिटी गार्ड नहीं भाई, नॉर्मल वाला जो ऐसे बड़ी बिल्डिंग के बाहर खड़ा रहता है वैसे वाला नहीं, एक स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड ढूंढा जा रहा था मिलिट्री बेस के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है यार, मिलिट्री बेस है तो उसके लिए स्पेशल वाला सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होगा। और स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड का मतलब है भाई उस बंदे को गोली चलानी आनी चाहिए, चीजों को हैंडल करना आना चाहिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए एक स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए। और मिलिट्री बेस के कर्नल को शायद ये सब स्पेशल क्वालिटीज भाई मेरे अंदर दिखी और इसीलिए मुझे चुना गया है एज अ स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड, वो भी मिलिट्री बेस का। और आज मेरी ड्यूटी का फर्स्ट डे है। अरे यार एक सेकंड, और आज मेरी ड्यूटी का फर्स्ट डे गाइस, और मैं जल्दी से अभी कपड़े पहन लेता हूँ अपने सिक्योरिटी गार्ड वाले और चलते हैं फिर। तो ये है मेरे स्पेशल वाले कपड़े और लग रहा हूँ ना भाई मैं एकदम स्पेशल वाला सिक्योरिटी गार्ड। और देख सकते हो कुछ ये कोट वगैरह के ऊपर कुछ अलग सा डिजाइन बना हुआ है, टाई के ऊपर भी एग्जैक्टली वही डिजाइन बना हुआ है। तो स्पेशल है ये मेरे कपड़े। और स्पेशल एक और चीज है गाइस, ये जो मैंने शर्ट पहनी है इसके अंदर मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन लिया है। तो इसी के साथ मैं बन चुका हूँ अभी एक स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड और आज मेरी ड्यूटी का फर्स्ट डे है और मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहता। टाइम है 8 बजे और पहले दिन थोड़ा सा लेट तो हो गया हूँ भाई, 11:30 बज गया यार। कोई बात नहीं, कुछ बहाना मार देंगे, लेकिन पहले ही दिन ड्यूटी पे कौन बहाना मारता है यार। कुछ भी हो, चलो जाकर देखेंगे क्या करना है आगे। फिलहाल देखो ये है मेरी गाड़ी, अपनी ऑडी। लेकिन आज मेरी ड्यूटी के फर्स्ट डे ही मुझे भाई मिलिट्री बेस की तरफ से एक स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड कार मिलने वाली है। और कोई नॉर्मल सी कार नहीं होगी भाई, वो थोड़ी अलग सी टाइप की SUV और थोड़ी स्पेशल कार होगी वो। तो भाई देख लो कितने सारे फायदे मिल रहे हैं स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड होने के। अभी चलते हैं मिलिट्री बेस की तरफ, चलो चलो फुल स्पीड। मेरी ऑडी भी वैसे भाई सस्ती से नहीं है, महंगी वाली ऑडी है ये। स्पीड देखो जरा तुम लोग, हैंडलिंग देखो इसकी कितनी एपिक है। खैर जो भी हो, फटाफट से निकलते हैं गाइस मिलिट्री बेस अपनी ड्यूटी के फर्स्ट डे पर, लेट्स गो। वैसे गाइस तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई मुझे ड्यूटी पे पहुंच के करना क्या क्या है। एक्चुअली मैं ये सब भाई सब कुछ करना है मुझे, कुल मिला के मिलिट्री बेस की प्रोटेक्शन करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, मान लो कोई इधर उधर से मिलिट्री बेस के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, हमें उसे रोकना है एंट्री करने से। आजू बाजू कोई प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मतलब कुल मिला के मिलिट्री बेस को मुझे हर तरफ से सेफ रखना है और कोई भी घुसने वाले बंदे से बचाना है मिलिट्री बेस को। तो ये मेनली मेरी ड्यूटी रहने वाली है। फिलहाल देखते जाओ क्या क्या करना पड़ता है मुझे फर्स्ट डे पर ही। ओके चलो भाई, ओके आ गए फाइनली मिलिट्री बेस की तरफ। क्या ऑडी भगाई है भाई मैंने फुल स्पीड में। खैर अब तो आज मुझे एक नई स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड कार भी मिल जाएगी, तो उससे मैं थोड़ा कल जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ओके देखो भाई बैरिकेड अपने आप ही खुल गए मेरे लिए, वरना कभी खुलते नहीं है ये। ओके आ चुके हैं, सबसे पहले कर्नल के पास जाके रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद अपनी वैन के बारे में पूछते हैं। मतलब वैन नहीं, क्या मिलने वाला था, हाँ स्पेशल कार के बारे में पूछते हैं। देखते हैं कब देंगे मेरी ये स्पेशल वाली कार। अरे मिलिट्री कर्नल कहाँ है, मिलिट्री कर्नल है क्या वो, लेट मी चेक। नहीं भाई ये तो कोई और ही लग रहा है, अंदर होगा मिलिट्री कर्नल, फटाफट से चलते हैं गाइस। हेलो सर, हेलो एक्सक्यूज मी सर, नहीं है भाई यहाँ तो। सर ये मिलिट्री कर्नल कहाँ मिलेंगे, ऊपर कह रहा है वो बंदा, तो चलो भाई ऊपर चलते हैं। लिफ्ट तो काम कर रही है ना भाई अब, आई गेस हाँ अभी लिफ्ट काम कर रही है, चलो फटाफट से गाइस टॉप पर चलते हैं। अरे लिफ्ट आ गई भाई, एक सेकंड, कौन से फ्लोर पे आ गया कि नहीं मैं। ओके खुल तो गई है, यस आ गया ऊपर वाले फ्लोर पर आ गया। यहाँ पर है क्या कर्नल, नहीं भाई यहाँ पर तो नहीं है, बाहर चलते हैं। यहाँ पे भी एक गेट है, लेट मी चेक, नहीं यहाँ पर भी नहीं है कर्नल, आई गेस ऊपर होगा, ऊपर चलते हैं फटाफट। ओके हेलो हेलो सर, ओके ये तो रहा भाई कर्नल, बात कर रहा है फोन पे। सर आई एम हियर, बताओ क्या है मेरी स्पेशल गाड़ी, फटाफट से बता दो सर जी। तो कर्नल कह रहा है गाइस मेरी गाड़ी नीचे रखी हुई है वेयर हाउस नंबर 2 में। अब ये वेयर हाउस नंबर 2 कौन सा है, चलो वो तो नीचे जाके पता चली जाएगा। वेयर हाउस नंबर 2 में है मेरी स्पेशल कार और बस मुझे अभी से ही लग जाना है काम पे। वैसे उसने पूछा नहीं भाई कि मैं इतना लेट क्यों आया, खैर जो भी हो मुझे क्या। चलो भाई फटाफट से लिफ्ट, अबे चलना भाई लिफ्ट नीचे जल्दी। ओके आ गए क्या हम लोग, आ गए यस। चलो
वेयर हाउस नंबर टू कहाँ है अब ये? वेयर हाउस नंबर टू, लेट मी चेक क्विकली। आगे चलते हैं, पूछ लेंगे भाई किसी गार्ड वार्ड से वेयर हाउस नंबर टू कौन सा है, और देखते हैं कौन सी स्पेशल गाड़ी मुझे प्रोवाइड करते हैं ये लोग अपनी स्पेशल बॉडीगार्ड को। बॉडीगार्ड नहीं मतलब स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड को। भाई पूरे मिलिट्री बेस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब मेरे जिम्मे है, हर तरफ से मुझे सिक्योर करना है पूरे के पूरे मिलिट्री बेस को, चाहे फर्स्ट गेट हो, सेकेंड गेट हो, पीछे वाला दरवाजा हो, आगे वाला दरवाजा हो, कोई बंदा घुसने की कोशिश करे, कुछ पंगे हो आजू बाजू, या फिर अटैक हो जाए, सबसे मुझे अकेले ही निपटना है। और उसके बाद बात अंदर तक अगर पहुंचती है तब जाके ये बाकी मिलिट्री वाले पंगे लेंगे, वरना मुझे बाहर से बाहर ही निपटाना है सारी प्रॉब्लम्स को। वेयर हाउस नंबर टू कौन सा? अच्छा इस पे वन लिखा है, टू आई गेस आगे वाला है। अबे वो तो बंद पड़ा है यार। अबे यार हाँ, ए वन और टू वो रहा उस पे लिखा है, वो तो बंद सा पड़ा है। चलो देखते हैं क्या करना है। वेयर हाउस टू नंबर तो यार बंद है। अब इसकी चाबी का, लेकिन चाबी से इतना बड़ा दरवाजा थोड़ा ओपन होता होगा। ये पूरा का पूरा एक गेट है भाई। यस ये पूरा ही ओपन होता है, जैसे वो सामने वेयर हाउस दिख रहा है तुम लोगों को, फिर इधर किस तरफ वेयर हाउसेस दिख रहे हैं भाई, सब ऐसे ही गेट लगे हुए हैं सब में। अरे लेकिन ये ओपन कौन करेगा मेरे लिए? नहीं भाई ऐसे तो ओपन नहीं होगा ये। अरे यार एक सेकंड, कहीं आजू बाजू तो नहीं रखी है? फिलहाल यहाँ पर सुबह सुबह भाई ये लोग परेड कर रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन मैं तो स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड हूँ। ओए वेट, एक गाड़ी रखी तो है यहाँ पे, यही है क्या? लेट मी चेक। ओए नंबर प्लेट पे स्पेशल लिखा हुआ है, यही है क्या स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड? यस मैं ही तो हूँ, तो यही होगी मेरी स्पेशल सुपर कार, मतलब स्पेशल कार। यस यस यस, उनसे पूछ लेता हूँ भाई। भाइयों यही है क्या? यही है क्या? हेलो बताओ जरा। यार कुछ बोल ही नहीं रही ये तो। अरे यही होगी भाई, स्पेशल लिखा तो है और मैं ही तो हूँ यहाँ पर स्पेशल, सबसे स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड की ये है स्पेशल कार, और काफी बढ़िया लग रही है भाई ये तो। यस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी तगड़ी व्हीकल देंगे मुझे। मुझे तो लगा था कोई नॉर्मल सी स्पोर्ट्स कार या नॉर्मल सी एसयूवी वगैरह होगी, बट ये तो भाई फुल्ली एक आर्मर्ड कार है, और जिसके चारों तरफ तो नहीं लेकिन फिलहाल ऊपर टॉप पे वेपन्स लगे हैं। भाई सब अच्छी खासी स्पीड है इसकी तो। ओ भाई लॉस सैंटोस की सड़कों पे अगर मैं ये गाड़ी लेके निकलूंगा, बंदे चौंक जाएंगे भाई कि ये कौन सा बंदा आ रहा है हमारे बीच। फिलहाल ये है कुछ इंटीरियर इसका, यहाँ पर एक डिजिटल मीटर लगा हुआ है जिसमें स्पीड दिखती है हमें, और स्पीड इसकी काफी अच्छी है गाइस। ये देखो तुम लोग 100 तक स्पीड आराम से। ओ वेट, ओ तेरी भाई साहब स्पीड तो इसकी 200 तक जा रही है। एक सेकंड, ब्रेक 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 ब्रेक, ब्रेकिंग कितनी परफेक्ट है भाई, ब्रेक कितने परफेक्ट लग रहे हैं यार, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। एक बार तुम लोग देखो, मैंने ये भगाई गाड़ी 200 की स्पीड, 250 की स्पीड, ठीक है 300 के लगभग, ये ब्रेक रुक गई भाई इतनी जल्दी। क्या बात है क्या बात है, मजा आ गया यार, आज मेरा फर्स्ट डे है एज अ स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड। और चलो भाई ड्यूटी पे लग जाते हैं, गाड़ी मिल गई हमें हमारी, और हमारी ड्यूटी है चारों तरफ से मिलिट्री बेस को प्रोटेक्ट करना। तो फटाफट से एक काम करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं चारों तरफ से, देखते हैं कोई घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। बेटा छोड़ूंगा नहीं कोई सा, आ मत जाना यहाँ पे। ओके स्पेशली इन लोगों ने भाई देख रहे हो ऑफ रोड भी करना पड़ सकता है मुझे इस गाड़ी को लेके, इसलिए इन लोगों ने भाई ऐसी गाड़ी बनाई है, क्योंकि रास्ते देखो यहाँ पर मिलिट्री बेस के चारों तरफ पेट्रोलिंग करने के लायक नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन स्टिल ये वाली गाड़ी आराम से चल सकती है इन रास्तों पे। चलो इधर से तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, आगे की तरफ चलते हैं। मेनली दिक्कत बताऊँ कहाँ से होती है, ये हाईवे वाली जगहों के पास से। देख रहे हो नीचे मिलिट्री वालों की ये जीप्स पेट्रोलिंग कर रही हैं, कुछ ज्यादा स्लो पेट्रोलिंग नहीं चल रही है भाई, एक वो रही जीप और एक ये रही। अरे क्या तुम लोग कॉकरोच की तरह चल रहे हो भाई, आजू बाजू वाले ट्रैफिक वालों को भी तो जाने दो, कितना स्लो चला रहे हैं ये लोग वैन। ऐसे ऐसे कोई पेट्रोलिंग करता है? मेरी तरह करो पेट्रोलिंग एकदम बिंदास चौड़ में। ओके स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड हूँ भाई, मैं अकेला हूँ बताओ, पूरे इतने बड़े मिलिट्री बेस का अकेला स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड, और वो हूँ मैं, और मेरी गाड़ी पलट गई। नहीं नहीं मेरी गाड़ी रुक जा, अरे यार रुक जा भाई, ज्यादा तारीफ कर दो ना भाई गाड़ी को। ओए ओए कौन है, ओए कौन है तुम लोग, ओए रुको बे, कहाँ कहाँ जाने की कोशिश चल रही है यहाँ पे हैं? बेटा इतने बजाऊंगा ना मैं, शांति से वापस निकलो वापस। अबे तुम लोग मानोगे नहीं है बे, है बता दूंगा मैं अच्छी तरीके से, जानते नहीं हो तुम लोग मेरे को, स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड हूँ मैं। अरे इज्जत ही नहीं कर रहा भाई ये तो मेरी। अबे तेरी, रुक जा अबे यार, मैं स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड हूँ, प्लीज मेरी बात सुन ले। अबे किसको बंदों को बुलाएगा फोन करके, बुला तू
भाई मानेंगे नहीं तो ऐसे ही खाएंगे। मैं तुम लोगों से मना कर रहा हूँ ना, इधर जाना मना है, जाना इधर मना है। अबे तेरी, मैं मना कर रहा हूँ, इधर जाना मना है, क्यों नहीं मान रहे तुम लोग? वापस चलो। यस, वो समझ गया गाइस, एक घूसा खा के। ये नहीं समझा अभी तक, एक घूसा खा के। तेरी, ये ले निकल। ओके, वो समझ गया। अबे वो नहीं समझा, वो कहाँ जा रहा है? अरे वो मिलिट्री बेस के अंदर जा रहा है क्या? लेट मी चेक गाइस, जरा इसे ऑब्जर्व करते हैं, किस फिराक में है ये? रुको रुको भाई, ये तो ऊपर की तरफ, नहीं नहीं नीचे आ गया भाई, गड़बड़ लग रहा है ये बंदा, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। जरा इस पे नजर रखते हैं गाइस, हमारी निगरानी में ये कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर सकता। बेटा तो किसी भी फिराक में रहा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड हूँ मैं। नहीं यार, ये बंदा वापस जा रहा है, कोई पंगे नहीं है इससे। चलो तो हम लोग वापस से अपनी पेट्रोलिंग कंटिन्यू करते हैं। मिलिट्री बेस वालों ने मुझे अपना स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड बनाया है, कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं मिलिट्री बेस को, मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता कुछ भी। तो इधर भी सब कुछ परफेक्ट है। आई गेस वो जो बंदे थे वो माउंटेन क्लाइंबर्स थे। अब तो इधर से जाना जरूरी है, कहीं और से चले जाओ। नो प्रॉब्लम हियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ओए हिरन पानी कैसे पी रहा है तू? हाँ भाई, इधर इधर पानी वानी भी पीना मना है। छोड़ो भाई, क्या ही उससे पंगे ले रहा हूँ मैं। ओके, ये एक चक्कर हम लोगों ने लगा लिया है, अब इधर से पूरा एक राउंड कंप्लीट करते हैं ज़रा हमारी पेट्रोलिंग का। भाई साहब यार, एक तो इस गाड़ी को चलाने में जो मज़ा आ रहा है मैं क्या ही बताऊँ, मस्त मस्त गाड़ी दे दी यार मिलिट्री वालों ने मुझे। ओके, ये हमारी पेट्रोलिंग का एक राउंड अभी तक नहीं कम्प्लीट हुआ है, फटाफट से इसे कम्प्लीट करते हैं। भाई क्या आराम से चल रही है यार, मक्खन चल रही है ऐसे अजीबोगरीब रास्तों पे भी। ये देखो पहाड़ों पे क्या स्मूथली चढ़ रही है, वो बात अलग है, अब फिसल गई। तो इसी के साथ जल्दी हम लोग करने वाले हैं अपना एक राउंड कंप्लीट, और फिर उसके बाद चेकआउट करेंगे हम लोग हाईवे की तरफ, वहाँ पर देखेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले तो एक काम करता हूँ मैं, लॉस गैंग का बेस उड़ाता हूँ वहाँ जाके, है ना भाई? मिलिट्री वाले उससे पंगे तो लेते नहीं है। मैं तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मिलिट्री बेस के आजू बाजू कोई गैंग वैंग का बेस ना रहे, उनकी ऐसी की तैसी करके आता हूँ मैं। रुको भाई, फिलहाल एक राउंड कंप्लीट हो चुका है गाइस, तो चलते हैं लॉस गैंग के बेस पर और उनकी बैंड बजाते हैं ज़रा। और मैं उतरूंगा नहीं गाड़ी से, तुम लोग देखो मैं कैसे उनकी चटनी बनाता हूँ। लॉस गैंग का बेस यहीं पर है, यहीं पे जस्ट बगल में, ये देखो ये रहा सामने की तरफ। कैफे चलाते हैं ये बस नाम का है, एक्चुअली में वो एक गैंग का बेस ही। तो अभी इनकी चटनी बनाते हैं। ओके, आ चुका है स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड, और स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड के होते हुए कोई बेस नहीं रहने दूंगा मैं यहाँ पर। चलो भाई, ऑपरेट करते हैं अपनी इस खतरनाक सी मशीन गन को। नाउ लेट्स डिस्ट्रॉय देम, बाहर निकलो भी तुम्हारी ऐसी की तैसी करूँ मैं, बाहर निकलो, आ जाओ। और लॉस गैंग वाले भाग गए डर के मारे, इन्होंने टैंकर कलेक्ट कर रखा, फोड़ो इस टैंकर को। अबे लॉस गैंग वालों, कहाँ हो तुम लोग यार, हद है ये तो भाई। आज मैं आया हूँ इनसे पंगे लेने के लिए, बाहर ही नहीं आ रहे। अरे आ जाओ बे, हैं कि नहीं है ये लोग यहाँ पे? पता नहीं भाई, लगता है खाली करके भाग गए, जैसे इन लोगों को पता चला कि मिलिट्री वालों ने एक नया स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लिया है। हाँ भाई, कोई है ही नहीं यहाँ पे। ओ है तो वो तो रे अंदर अंदर बैठ के पी रहे, तुम्हारी बजाऊँ मैं। रुको रुको, तुम मैं बजाता हूँ मैं गोलियाँ। है वे, यहाँ से खाली करो, बेस खाली करो, आज की आज खाली हो जाना चाहिए, आज की आज। समझ में आया? समझ में आया भाई? हेलो आंटी जी, आपको समझ में आया? आज की आज पूरा का पूरा बेस खाली चाहिए, अपने सारे लॉस गैंग वालों से बोल देना। बाकी यहाँ पर ये सॉस की बॉटल्स पड़ी हुई है भाई, क्या मस्त ब्लास्ट हो रही है। लेकिन मैं इधर क्यों टाइम पास कर रहा हूँ भाई, मेरी ड्यूटी है भाई वहाँ जाकर मिलिट्री बेस को प्रोटेक्ट करना है। वापस चलते हैं। ओके, गाड़ी घुमाते हैं और चलते हैं वापस से पेट्रोलिंग करने के लिए हाईवे की तरफ। चलो भाई, मेरे होते हुए कोई पंगे नहीं होंगे इधर, सड़क पे एकदम शांति रहनी चाहिए, कोई पंगे नहीं चाहिए मुझे कोई भी। चलो भाई, चलते रहो चलते रहो, नाइस नाइस। ओके, देखते हैं आगे कोई गड़बड़ तो नहीं है। भाई साहब क्या हैंडलिंग है यार इस गाड़ी की। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही सही जा रहा भाई, फर्स्ट ड्यूटी का तो एकदम परफेक्ट जा रहा है मेरा। टाइम फॉर द पेट्रोलिंग राउंड नंबर 2, और चलते हैं भाई, कोई लफड़े नहीं चाहिए मेरे को, एकदम शांति है। मेरे होते हुए कोई लफड़े होंगे ही नहीं। वेट, वहाँ क्या चालू है भाई, वहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? वेट 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 गाइस, कुछ पंगे हैं वहाँ पे, लेकिन क्या पंगे हैं ज़रा चेकआउट करते हैं। ओके ओके ओके, ओहो यहाँ पे इतनी भीड़ कैसे? कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों से भाई, कुछ गड़बड़ है वहाँ पे। चल के देखते हैं। आ रहा है भाई स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड, आ रहा है तुम्हें बताने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ओके, कहाँ पर ये लोग? ये रहे भाई, ये तो लाइन लगा के। ओए, एक बंदा उधर से घुसने की कोशिश कर रहा है। वेट, व्हाट, क्या चालू है ये यहाँ पर? यहाँ पर क्या चालू क्या है भाई ये?
ओए 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 ओ बस कर। और भाई घुस गया तू, बहुत बहुत ही बढ़िया। क्या 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 कर क्या रहे हो बे तुम लोग, कर क्या रहे हो यहाँ पे? ओए बाहर निकल, तुझे घुसवा दूँ यहाँ से अंदर। हैं, यही यही रास्ता मिला है तेरे को, और तुम लोग सारे के सारे यहाँ पे कर क्या रहे हो बे? और ये तो मान ही नहीं रहा भाई, क्या घुस के ही मानेगा आज पूरे मिलिट्री बेस में तू? वो है बे चोरी चोरी करने की फिराक में घुस रहा है। बाहर निकल, बाहर निकल। अबे यार इसके लात क्यों नहीं लग रही है? क्या घुस के ही मानेगा क्या ये अंदर? मानता क्यों नहीं है बे? हैं, ओ यार फिर भी नहीं मान रहा भाई ये। बाहर निकल, बाहर निकल। अब बता भाई क्या क्या कर क्या रहा था तू? हैं, अंदर घुसने की कोशिश, क्या करने क्या वाले थे तुम लोग बता। अरे बता फटाफट से, छोड़ तू तो मुंह अपना खोलेगा नहीं, तू इसका दोस्त लग रहा है। बता बे बता, क्या 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 फिराक में हो तुम लोग? क्या इरादा क्या है तुम लोगों का? हैं बे बताओ फटाफट से बताओ, वरना सारे के सारे जेल जाओगे। फटाफट से बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है, जल्दी से बताओ जल्दी से। ओके, तो यहाँ पर गाइस ये लोग भाई इधर से अंदर जाने वाले थे, पूरे झुंड में घुसने वाले थे, और अंदर से कोई मिलिट्री की स्पेशल व्हीकल जिस जो बहुत ज्यादा महंगी हो वो चुरा के भागने वाले थे। अब भाई क्या कर रहे हैं ये लोग बंदे? अब रहने दो भाई शांति से, मिलिट्री वालों को क्यों नहीं मान रहे तुम लोग? और एक सेकेंड, चलो ये तो समझ में आता है ये सारे घुस जाएंगे अंदर से, ठीक है जालियां हटा हटा के। भाई तुम दोनों किस उम्मीद में जा रहे थे बे? हैं, तुम लोग भी इस उम्मीद में थे कि अंदर पहुंच जाओगे? फिलहाल सारे निकलो यहाँ से। यार इनको जेल में डाल दूँ या फिर छोड़ दूँ? आई गेस गाइस वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए भाई, लास्ट वार्निंग है। अगर अगली बार पकड़े गए तो फिर सीधे जेल के अंदर, और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा आई हैव नो आइडिया। तो फटाफट से जगह ये खाली कर लो वरना जाओगे जेल में। 2 सेकंड के अंदर सारी जगह खाली हो चुकी है। तो देखा भाई ये था काम स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड का। अगर मैं नहीं होता, क्योंकि मिलिट्री बेस वाले इधर तो भाई पेट्रोलिंग कर नहीं रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो सिंपली ये लोग एंटर कर जाते अंदर, और अगर एंटर कर जाते अंदर तो तुम लोग समझ सकते हो भाई क्या होता। अंदर से कोई ना कोई मिलिट्री वालों का स्पेशल व्हीकल चोरी होता और फिर गड़बड़ हो जाती, और ये बंदे शायद से किसी गैंग वैंग को भेज देते वो स्पेशल व्हीकल, फिर पंगे होते लॉस सैंटोस में और लॉस सैंटोस के लोग परेशान होते। तो समझ रहे हो भाई तुम लोग, अगर सिर्फ एक चीज यहाँ पर अगर मैं नहीं होता तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, बट अभी वो प्रॉब्लम नहीं होगी, सॉल्व। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। चलते हैं, फिलहाल मेरा दूसरा राउंड भी जल्दी कंप्लीट होने वाला है पेट्रोलिंग का। 2 राउंड तो कंप्लीट कर लिए मैंने पेट्रोलिंग के, अब जरा चलते हैं हाईवे की पेट्रोलिंग करने के लिए, और देखते हैं लॉस गैंग वाले अभी भी गए कि अभी भी हैं यहाँ पर। ओके, और अरे यहाँ पे क्या हो गया भाई? अरे कैसे भीड़ लगा रखी है, ओहो एक्सीडेंट वैक्सीडेंट कर दिया है लगता है यहाँ पे। यार ये लॉस सैंटोस के लोगों को शांति नहीं है, है मिलिट्री बेस के पास में एक्सीडेंट करना जरूरी है, और इतने सारे बंदे एक गाड़ी में बैठे थे क्या? नहीं, तो ये बंदे तमाशा देखने के लिए आए हैं क्या? और अब इसकी रेंज रोवर में से तो धुआं आ रहा है, इसकी इसकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ, आगे इसका इंजन ही नहीं था, इसकी रेंज रोवर में से तो खतरनाक धुआं आ रहा है। मोटा भाई मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, आपको काफी नुकसान हुआ है। सबसे पहले तो तुम लोग निकलो बे, क्या क्या तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हुआ हो यहाँ पे? है नाटक चल रहा है यहाँ पे, कोई निकलो निकलो यहाँ से सबके सब, सब वापस घर पे जाओ। चलो भाई सारे बंदों को तो भगा दिया, अब इनकी प्रॉब्लम सुन लेते हैं जरा। अबे तू नहीं गया टकले? अरे तेरे को अलग से इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा, निकल यहाँ से, पार्टी चल रही है यहाँ पे, फटाफट से निकल। बेहोश हो गया, चलो छोड़ो जब तक इनका मामला सुलझाता हूँ तब तक वो होश में आ जाएगा। हाँ तो भाई हुआ क्या? अबे यार ये दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। रेंज रोवर वाला कह रहा है कि ऑडी वाला तेज आ रहा था, ऑडी वाला कह रहा है कि ये रेंज रोवर वाला तेज आ रहा था। वैसे गाइस मैं बताऊँ, गलती मुझे ऑडी वाले की लग रही है, तुम लोग सोचो क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये रेंज रोवर वाला इस साइड से आ रहा होगा, ठीक है इस साइड से, ऑडी वाला रॉन्ग साइड से आ गया, दोनों की टक्कर हुई तभी तो ये गाड़ियाँ यहाँ पर है। यस डेफिनेटली ये रेंज रोवर इधर से आ रही थी, ऑडी इधर से, तेरी ऐसी की तैसी ऑडी वाले ढंग से नहीं चला सकता गाड़ी है, तमीज से चलाना सीख, और जो भी इसका नुकसान हुआ फटाफट से पैसे दो और मामला सॉल्व करो फटाफट फटाफट, टाइम पास नहीं वरना अभी 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 जेल में डाल दूंगा तुम दोनों को, जानते नहीं हो तुम लोग मैं स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड हूँ इस मिलिट्री बेस का, निकलो फटाफट अब। चलो भाई यहाँ की भी प्रॉब्लम सॉल्व, मामला सॉल्व, अब चलते हैं आगे। भाई क्या बढ़िया तरीके से चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ यार मैं, भाई साहब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने दे रहा मैं मिलिट्री बेस के अंदर। तो चलो अब आगे चलते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं और देखते हैं अब आगे कोई प्रॉब्लम ना आए बस। चलो लॉस गैंग वालों का अभी अभी चेक करके आ रहा हूँ भाई, वहाँ पर जा चुके हैं वो लोग उस बेस को छोड़ के, और कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। वैसे इस गाड़ी के अंदर हेडलाइट्स कितनी तगड़ी है यार। ओके, तो आई गेस गाइस ये अभी टाइम आ चुका है 3री पेट्रोलिंग का। यस, तो
तो चलो पेट्रोलिंग करना शुरू करते हैं थर्ड टाइम। ओके तो यहाँ से वापस से शुरू करते हैं। अरे यार मेरी गाड़ी, ओके नाइस भाई। हर बार जब जब पेट्रोलिंग कर रहा हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ मिल ही रही है मेरे को। सबसे पहले ही पेट्रोलिंग में तो ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं मिली, दो बंदे थे माउंटेन क्लाइंबर्स, उनको मैंने भेज दिया वापस। फिर दूसरी पेट्रोलिंग में दो पंगे मिल गए, एक तो वो बंदे जो घुसने की कोशिश कर रहे थे मिलिट्री बेस के अंदर, और एक ये अभी दो गाड़ियों की टक्कर की वजह से जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी वो वाली प्रॉब्लम। खैर मैंने दोनों की दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। वैसे एक चीज मैंने नोटिस की, मैं हर बार पेट्रोलिंग कर रहा हूँ तो ऊपर से यहाँ से गाड़ी लेके और इजिली चला जाता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से आगे की तरफ। मैं इस ब्रिज के नीचे तो गया ही नहीं, एक बार इस ब्रिज के नीचे भी जाना बनता है। यार एक सेकेंड, वहाँ पर एक गाड़ी पड़ी हुई है, किसकी है वो, जरा चलते हैं इस ब्रिज के नीचे। हाँ यार मैंने ये चीज अभी नोटिस की, मैं बार बार ऊपर से ही पेट्रोलिंग कर लेता हूँ या तो हाईवे पे चला जाता हूँ, लेकिन हाईवे के नीचे कौन जाएगा, मुझे ही तो जाना पड़ेगा। जरा चलते हैं हाईवे के नीचे भी, देखते हैं क्या पंगे हैं इसके नीचे। ओके ओके यहाँ पर गाड़ी दिखी थी मुझे, हाँ ये तो रही इसकी गाड़ी है। ओए वेट, गाड़ी के अंदर ये क्या है, गाड़ी के अंदर ये तो बॉम्ब लगा हुआ है भाई। हेलो, अरे ये तो बॉम्ब लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। टाइम बॉम्ब लग रहा है, एक सेकेंड जरा चेक करते हैं हो ना हो। यस गाइस टाइम बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब है भाई, टाइम बॉम्ब ही है ये। करना पड़ेगा जल्दी, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं मैं करूं क्या। अरे मेरे फर्स्ट डे के दिन ही इतने पंगे क्यों हो रहे हैं, कौन रख के चला गया ये गाड़ी के अंदर बॉम्ब लगा के ब्रिज के नीचे। मुझे लग रहा है किसी ने ब्रिज उड़ाने की साजिश की है भाई, कोई बंदा ब्रिज उड़ाना चाहता है, या तो हो सकता है उसका टारगेट मिलिट्री बेस हो, मेरे को देख के वो गाड़ी छोड़ के यहीं पे भाग गया हो। अरे लेकिन जो भी हो मुझे फटाफट से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी पड़ेगी भाई, वरना पूरा मिलिट्री बेस उड़ जाएगा। और एज अ सिक्योरिटी गार्ड, नहीं एज अ स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अब ये किसकी गाड़ी है, इसके अंदर भी बॉम्ब वॉम है क्या, अरे क्या हो रहा है ये। नहीं इसके अंदर बॉम्ब नहीं है गाइस, नो प्रॉब्लम। चलो एक ही गाड़ी है जिसके अंदर बॉम्ब है, मुझे फटाफट से उसको यहाँ से दूर लेकर जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ मैं, ये अपने मिलिट्री बेस के अंदर जाता हूँ, कोई पिकअप वाला हेलीकॉप्टर लेकर आता हूँ जिससे सामान उठा सकते हैं, तो उस हेलीकॉप्टर की हेल्प से मैं जरा उस गाड़ी को पिक करके और कहीं दूर समुद्र में फेंक के आता हूँ, क्योंकि उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के चक्कर में शायद हो सकता है वो बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाए, क्योंकि हमें नहीं पता भाई कितनी देर से पड़ा हुआ है वो वहाँ पे, इसलिए उस गाड़ी को ही पूरा फेंक के आना पड़ेगा। चलो बेस के अंदर चलो, किधर से जाऊँ मैं, यहाँ से चलते हैं जल्दी। और मुझे एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर चाहिए, फटाफट से चाहिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर एक। ओके नाइस। यहाँ से वो वाला यार जिससे चीजें पिक करते हैं, क्या बोलते हैं उस हेलीकॉप्टर को, कार्गो मॉब जो भी है वो चाहिए मुझे, जल्दी चाहिए। कार्गो बॉब। ओ यस, ये रहा कार्गो बॉब, पहले तो नहीं था यहाँ पे, लगता है कोई और अभी लेकर आया है। खैर जो भी हो मुझे मतलब नहीं है, जल्दी से लेकर चलते हैं उस कार्गो बॉब को। ओके आज ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है अपना। चलो नाइस, जल्दी। ओके चालू तो है ना भाई ये, पता चला रिपेयरिंग के लिए रखा हो इसे। नहीं चालू है, एकदम बढ़िया तरीके से चालू है। ओके अभी आगे चलते हैं आराम से। ओके बहुत ही बढ़िया टेक ऑफ, और बस वो बॉम्ब ना ब्लास्ट हो जाए इतनी देर में। ओके इसका मैंने ये हुक भी नीचे गिरा लिया है, अब उस गाड़ी को पिक करना है और बहुत दूर लेकर जाना है समुद्र के अंदर। चलो जल्दी। नाइस, थोड़ा सा डाउन, बहुत ही बढ़िया। ओके देख रहे हो भाई तुम लोग, इसीलिए भाई काफी सारी क्वालिटीज होना जरूरी था स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड के अंदर। भाई देख रहे हो कितने मिलिट्री के व्हीकल्स ऊपर की तरफ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि नीचे ब्रिज के नीचे एक बॉम्ब रखा हुआ है, वो भी टाइम बॉम्ब। खैर हमें पता चल चुका है, फटाफट से मैं उस गाड़ी को इधर लेकर आता हूँ जल्दी से। चलो भाई, अगर मैं नहीं होता तो आज तो मिलिट्री बेस उड़ना था भाई। ये स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी बड़ी खतरनाक है यार। ओके जल्दी से इस गाड़ी को पीछे लेकर चलते हैं। नाइस, और यहाँ से अभी हेलीकॉप्टर की हेल्प से पिक करते हैं इस गाड़ी को। जल्दी। एक काम करो गाइस, तुम लोगों ने यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि ये बॉम्ब जल्दी से ब्लास्ट ना हो, वरना भाई मिलिट्री बेस तो जाएगा संग में, मैं भी जाऊंगा। फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी एक सेकेंड, ये पिक कैसे करूँ मैं,
ओके नाइस, हो गया अटैच हो गया। बस हाईवे से टकराना नहीं है। बहुत ही बढ़िया गाइस, यहाँ पर मैंने गाड़ी को पिक कर लिया जिसके अंदर बॉम्ब लगा हुआ था। अभी भी बॉम्ब लगाया ना भाई, गिर तो नहीं गया? नहीं बॉम्ब लगाया, देखो गाड़ी के साइड में डोर पे बॉम्ब लगाया अभी भी। अब बस इसे फटाफट से लेकर यहाँ से उड़ना है और जल्दी से पानी के अंदर ड्रॉप करना है। कम ऑन, नाइस। चलो भाई, ओ ज्यादा हिलडुल मत भाई, गाड़ी यहीं गिर जाएगी वरना बहुत दूर पानी के अंदर लेकर चलते हैं गाइस इसे। ओके बहुत ही एपिक। ओ भाई चलो, अभी तक ब्लास्ट तो नहीं हुआ ये, मुझे तो लगा था कहीं वहीं ब्लास्ट ना हो जाए। पता नहीं कितनी देर से पड़ा हुआ है, मैंने तो नोटिस भी नहीं किया इस गाड़ी को। उस ब्रिज के नीचे से भी भाई पेट्रोलिंग करनी चाहिए थी। चलो दूर आ गया क्या मैं? नहीं यार, अभी जस्ट पीछे तो मिलिट्री बेस है, थोड़ा सा और दूर लेकर चलते हैं। ओ नो, वो गाड़ी मैंने नीचे ही पीछे ही ड्रॉप कर दी। नहीं यार, ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई मेरे से। फिर भी दूर तो आए गए थे हम लोग, लेकिन इतना भी तो दूर नहीं आए थे भाई। पता नहीं क्या होगा, पानी में कहाँ गिरी अब मेरे को क्या पता भाई, क्या करूँ मैं अब? ओ नो, गड़बड़ हो गई, सीरियसली में गड़बड़ हो गई। जो भी हो, भागो यहाँ से अब। यार स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड होते हुए मेरे से इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो सकती है? क्यों कर दी मैंने ये गड़बड़ अब यार? गलती से बटन प्रेस कर दिया मैंने, वो डी अटैच हो गया वो बॉम्ब, मतलब बॉम्ब नहीं, गाड़ी डी अटैच हो गई जिसके ऊपर बॉम्ब लगा था। पता नहीं क्या होगा, आई हैव नो आइडिया। ओ तेरी भाई साहब, ये कितना खतरनाक ब्लास्ट हो रहा है। ओ तेरी भाई, बच गया यार, मिलिट्री बेस बच गया लिटरली। मैं तुम लोग सोचो, वो उतना बड़ा ब्लास्ट अगर मिलिट्री बेस के पास होता, क्या ही तबाही मचती भाई। बच गया, मिलिट्री बेस बच गया, लेकिन यार उसको थोड़ा और दूर छोड़ के आ सकता था मैं। लेकिन डेफिनेटली इम्पैक्ट यहाँ तक तो नहीं पहुँचा है। हाँ, उस बॉम्ब का इम्पैक्ट यहाँ तक नहीं है गाइस। भले उस गाड़ी को मैं ज़्यादा दूर तक फेंकने में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन स्टिल मैंने बचा लिया, मिलिट्री बेस को बचा लिया यार। भाई धमाका तो देखो कितना खतरनाक हो रहा है पानी के अंदर। लैंड करते हैं इससे। ओके नाइस भाई साहब, बचा लिया भाई। अपनी ड्यूटी के फर्स्ट डे ही मैंने मिलिट्री बेस को ब्लास्ट होने से बचा लिया। सर, हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, कर्नल सर, अरे जो भी हो सर, मैंने बचा लिया मिलिट्री बेस को, बचा लिया मैंने। भाई बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ओके चलो फटाफट से जाकर कर्नल को ये खुशखबरी देते हैं भाई कि हम लोगों ने बॉम्ब ड्रॉप कर दिया है दूर ले जाके और बचा लिया हम लोगों ने लॉस सैंटोस को। सर हेलो, चलो भाई। सर हेलो सर, अरे भाई बातें हो रही है यहाँ पर तो उस ब्लास्ट के बारे में, उनको क्या पता है मैंने ही बचाया मिलिट्री बेस को। फटाफट से टॉप पे चलते हैं। अरे सर यहाँ पे नहीं है, लगता है वही ऊपर वाले फ्लोर पे ही है। सर हेलो सर, मैंने बचा लिया मिलिट्री बेस को ब्लास्ट होने से, एज ए स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड मैंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से की है। अरे सर जी कहाँ हैं? अरे वो रे बाहर, कर्नल के पास चलते हैं, फटाफट से चलते हैं बाहर। अरे यार ये कर्नल यहाँ पे कर क्या रहा? ओ बायनोक्यूलर से देख रहा है भाई। सर मैंने बचाया, मैंने सर हेलो मैंने बचाया सर। अरे यार इस पे चढ़ क्यों नहीं पा रहा मैं? ओके हाँ सर, मैंने क्या? यू आर फायर्ड? अरे लेकिन मैंने तो बढ़िया तरीके से अपनी जॉब की। यहाँ पर गड़बड़ हो गई है गाइस, जॉब के पहले ही दिन मैं तो बहुत ज़्यादा खुशी से आया था यार कर्नल के पास कि भाई कर्नल मेरे को शाबाशी देगा, खुश होगा भाई, कुछ तो प्राइज मिलेगा। लेकिन एंड मोमेंट पे भाई ये तो मेरे को फायर ही कर दिया इन लोगों ने, नौकरी से निकाल दिया यार मेरे को नौकरी के पहले ही दिन। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई मैंने मिलिट्री बेस को बचाया फिर भी मुझे नौकरी से क्यों निकाल दिया है? मिलिट्री कर्नल का कहना ये है कि वो जो गाड़ी थी जिसके ऊपर बॉम्ब लगा हुआ था, वो गाड़ी मैंने यहीं पर क्यों ड्रॉप की, इसे मैं और आगे ले जाके ड्रॉप कर सकता था। तो मैंने कहा भाई क्या ही फर्क पड़ता है, लोगों की तो जान बची गई, लेकिन भाई मिलिट्री कर्नल कह रहा है कि उस बॉम्ब के ब्लास्ट से शुरुआत में बहुत ही तगड़ा सा ऐसे भूकंप का झटका सा कुछ तो आया था और काफी सारे लोगों के एक्सीडेंट हो गए यहाँ पर उसी वजह से। तो अब इसमें मेरी क्या गलती है भाई? मैं तो फिर भी वहां तक ले गया, अगर मान लो मैं नहीं होता तो फिर क्या होता? फिर तो मिलिट्री बेस उड़ ही जाता। लेकिन फिर ये मिलिट्री कर्नल कह रहा है कि तुम्हारी जगह कोई और स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड होता जो और अच्छी तरीके से ड्यूटी कर सकता था, जो कि और दूर ले जाके इस बॉम्ब को ब्लास्ट करवा सकता था, लेकिन तुमने बॉम्ब यहीं पर ड्रॉप कर दिया, इसलिए यू आर फायर्ड। क्या ही करूं मैं,
कुछ नहीं कर सकता है, I'm sorry guys, मैंने तो भाई पूरी कोशिश की, वो गलती से बटन दब गया दब गया। अब थोड़े बहुत भूकंप के झटके तो आएंगे ही भाई, इतना खतरनाक और तगड़ा बॉम्ब था तो खैर क्या ही कर सकते हैं। फायर कर दिया यार ड्यूटी के पहले दिन मैंने, क्या परफेक्टली ड्यूटी निभाई है भाई। बंदे घुसने की कोशिश कर रहे थे उससे बचाया, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वो प्रॉब्लम सॉल्व की, वो सब नहीं दिख रहा भाई कर्नल को, बस ये दिख रहा है कि भाई यहीं पे ब्लास्ट हो गया। ये भी बल्कि मैं बहुत दूर ले जाता, वो तो गलती से यहाँ पर गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं भाई, अगर फायर कर ही दिया तो यही सही, मुझे भी नहीं करनी अब ये जॉब। मैं चला भाई अपने घर की तरफ, इतनी इतनी मेहनत की मैंने इस जॉब के फर्स्ट डे पर ही, अभी तो बताओ शाम भी नहीं हुई है, आधे दिन में ही मैंने कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की और पूरा दिन होने से पहले ही मेरे को फायर कर दिया। चलो भाई मैं चला, ड्रेस व्रेस दे देते हैं इनकी, लो भाई अपनी ड्रेस व्रेस रखो, ड्रेस इन्हें वापस कर देता हूँ मैं। गाइज बताओ भाई कर्नल की ये बात सही है कि नहीं, तुम लोगों को क्या लगता है भाई मुझे फायर करना, भाई मेरी क्या गलती है उसमें, गलती से वो बटन दब गया तो जो भी हो भगा दिया यार फर्स्ट डे ही जॉब से। गाड़ी भी अब तो गई मेरी वो मिलिट्री स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड वाली, सर ड्रेस वापस ले लो। ओके गाइस तो यहाँ पर मैंने ड्रेस फ्रेस दे दी है, चलो भाई जा रहा हूँ मैं वापस। फिलहाल तो तुम लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी गाइस कमेंट में जाकर जरूर बताना। फर्स्ट डे था, काफी ज्यादा एक्साइटेड था मैं अपनी नई नवेली जॉब के लिए। लॉस सेंटोस में काफी सारे बंदों में से मुझे सेलेक्ट किया गया था एज ए स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड और मैंने काफी अच्छी तरीके से भाई अपनी ड्यूटी की। लास्ट में गड़बड़ हो जाती है भाई, वैसे भी पहले दिन क्या ही करूं मैं, इतना भी एक्सपीरियंस थोड़ना था, मैं गड़बड़ हो गई, इन्होंने फायर कर दिया। जो भी हो वीडियो पसंद आई होगा इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो नहीं किया अभी तक तुम लोगों ने तो फॉलो करो गाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ अभी के अभी फॉलो करो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, गुड बाय।